काजोल किसी को भी नहीं दिखाना चाहेंगी अपनी ये फाटस। काजोल ने बॉलीवुड में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 1992 में आई फिल्म बेखुदी से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके को स्टार कमल सदाना थे। फिल्म सुपरफ्लॉप रही थी। तब से लेकर अब तक में काजोल के लुक में काफी चेंज देखने को मिलता है। आज वे जितनी गॉर्जियस दिखती हैं, वैसी वे बॉलीवुड डेब्यू के दौरान नहीं थीं। उनकी उस दौरान की फोटोज पर नजर डालें तो उनका अजीबोगरीब लुक देखने को मिलता है। आज आपको काजोल की ऐसी ही फोटोज दिखाने जा रहे हैं। बता दें कि काजोल ने अपने लुक पर ट्रीटमेंट भी करवाया है। कई सुपरहिट फिल्मों में किया काम। काजोल ने अपने 25 साल के करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी काजोल की एक्टिंग को पसंद किया गया और डायरेक्टर अब्बास-मुस्तान ने अपनी फिल्म बाजीगर 1993 में उनको चांस दिया। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद काजोल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, अजय देवगन सहित कई सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है। काजोल ने ये दिलगी, करण अर्जुन हलचल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इश्क, प्यार तो होना ही था, दुश्मन, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ कुछ होता है, फना, मैंने मिज खान सहित कई फिल्मों में काम किया है। दो साल पहले जब काजोल एक इवेंट में पहुंची थी तो उनका लुक देखकर सभी को आश्चर्य हुआ था। उनका रंग एकदम गोरा दिख रहा था। उस दौरान मीडिया में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि काजोल ने फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन के लिए स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट लिया है। बता दें कि काजोल की अपकमिंग फिल्म VIP 28 जुलाई को रिलीज हो रही है। काजोल और अजय देवगन ने 1999 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म हलचल 1995 के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदली और आखिरकार शादी। शादी देवगन हाउस में परंपरागत महाराष्ट्रियन स्टाइल में हुई थी। शादी में काजोल ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया ग्रीन कलर का लहंगा पहना था।